नमस्कार, कैसे आप सब? अच्छा करता आप सब ठीक होंगे। स्वागत है सबका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिलीप सरांश। सो के उठ गया, नहा लिया, स्कूल ड्रेस पहन ली है, 7 बज चुके हैं। अब स्कूल जाने का इंतजार, मतलब 7:15 होने का इंतजार है। फिर मैंने कहा अरे हाँ, कल की मोट पड़ी है भाई, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मोट खा लेता हूँ। चलो मोट निकाल लेते हैं। किचन की लाइट जल गई, उसे खोलते हैं। क्योंकि ये रही यही है ना। हाँ चलो, तू बंद हो गए। तो गाइस ये रही मोट। आहा, थोड़ी सी कटोरी में लेके खा लेता हूँ। भाई मैंने मोट खा ली और पेट बहुत ज़्यादा भर गया भाई। सुबह सुबह हेल्दी खा लो ना तो मज़ा आ जाता है पूरे दिन। मेरे को स्कूल में भूख नहीं लगेगी। तो चलो गाइस, अब मैं निकलता हूँ स्कूल के लिए और आप सबसे मिलता हूँ मैं स्कूल से आने के बाद। आ गया हूँ मैं स्कूल से और मम्मी हम दे रही है, हम सब खाना खाने में बनी है दाल खिचड़ी। तो आज हम खाएंगे खिचड़ी और बढ़ाएंगे अपनी सेहत। मम्मी दही भी है क्या? दही है। दही है तो दो दही। दही भी खाएंगे साथ में? क्यों ना खाएंगे। क्यों भाई, दही खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। वो तो टीशर्ट तो पहन ले। यहाँ पर मैं लेटी हुई हूँ, मैंने अपनी आंखों में डाली हुई है दवाई, उसके बावजूद मेरे फोन का पासवर्ड सही खोल दिया। कैमरा कहाँ पे वो निकाल दिया, क्योंकि इसका फ़ोन मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है। मैंने आँख बंद करके इसके फ़ोन को यूज़ कर लिया। अच्छा हाँ, तो मेरी आँखों में डली हुई है अभी ड्रॉप, दिन में 3 बार डालनी है। तो अच्छा, तुम्हारी तो एक आँख में डली है ना? और रात तो खोली होगी नहीं। अरे तो इसीलिए हम पहले अपनी आँखों को ठीक करेंगे, उसके बाद सारांश से बात करेंगे। और ये सारांश यहाँ लेटा लेटा उधर मचा रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। तो देखिए कि जम 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 जम। और आज स्कूल में लड़के आया है ना? नहीं, लड़ने वाला हूँ। देखो अभी लड़ने वाला है भाई। मैं देखो, मेरे से जो बदतमीजी करेगा मैं उसे सहन नहीं करूँगा भाई। कुछ चीज़ सहन करनी पड़ती है। खाना तो खा लिया था, मम्मी ने ऐसे मन चलाया कि भाई वड़ा पाव खाना। मैंने कहा है यहाँ वड़ा पाव भी मिलता है। वो सेक्टर 4 में मिलता था गोली का, पर वो तो बंद हो गया। तो यहाँ सेक्टर 2 पे भी मिलता है एक शॉप पे। तो मैं वड़ा पाव ले लिया 4, 2 मिर्ची वाले और 2 आलू वाले। आलू वाला मैं और पीनू, मिर्ची वाला मम्मी पापा। पापा भी आए नहीं, पीनू ट्यूशन चला गया। तो मैं और मम्मी खा लेंगे 2-2 वड़ा पाव। चलो तो चलते हैं घर पे। तो यहाँ पे सारांश ले आया है हमारे कहने पे पाव, बड़ा 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 जो पाव जो कि बड़ा है। हाँ, और बड़ा जो पाव है। खुशबू आ रही है सारांश, अब तो रुका नहीं जा रहा। तू बस अब जल्दी दे दे यार, जल्दी कर। दो आपके, दो मेरे। नहीं नहीं नहीं, एक तो पीनू के लिए। तो मैं 2 मिर्ची वाले आपके लिए, पापा के लिए लगा रहा हूं, और 2 आलू वाले अपने और पीनू के लिए। चलो टडन। यार एक फोन से मैं रील बनाती। टडन टडन। अबे ये मिर्ची वाला है। ओ, मिर्ची वाला मिल गया तुझे। चलो तो ऐसा मिर्च वाला लग नहीं रहा होगा। तो आपका कैसा, आलू वाला खा गया कैसा लगा? नहीं, मिर्ची वाला तो सही में स्पाइसी है। स्पाइसी यार। तो गाइस खा लिया बड़ा पाव, क्या ही बढ़िया था। क्यों मम्मी, मजा आ गया यार। अच्छे अच्छे के मुंह में स्वाद आ जाएगा यदि खा लो तो भाई। मैं वैसे तो मैं डाइट पे हूँ, आज खा लिया स्वाद। वैसे मैं डाइट पे हूँ, कोई नहीं, एक्सरसाइज आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लूंगा। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमारे जुबान से उस वड़ा पाव का टेस्ट जा ही नहीं रहा है। क्या मम्मी, मन कर रहा है ना 4-4 और खाएं। लाओ पैसे, खाओ पियो मौज करो जिंदगी थोड़ी। मम्मी आज तुम बहुत गोरी लग रही हो कसम से। गोरी लग रही है, पता ही नहीं चल रहा दीवार का कलर कौन सा, आपका चेहरे का कलर कौन सा। जनता जला जनता जवाब मांगती है। नहीं, ऐसा लग रहा है तुझे कि बात देखो जरा कैसा। मेरे 100 रुपए तो दे दो। ले 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 100 रुपए। तो गाइस मम्मी ने मेरे 100 रुपए लिए थे, मतलब मैं अपने वॉलेट में से 100 रुपए लेके गया था, दूध लेकर आया था। मम्मी ने कहा मैं तेरे को 100 रुपए दे दूंगा और अभी तक नहीं दिए। मेरे को अपने लिए रजिस्टर लेके आना है। वो पैसे दो, क्यों नहीं दे रही हो? दे दूंगी ना। आज मैं तेरी मम्मी नहीं हूं। हां वो मैं तुझे पैसे देती हूं। हां तूने मुझे 100 रुपए दे दिए तो ऐसे कर रहा। अरे वो रजिस्टर लाना है यार।
तो यहाँ पे चॉकलेट खुल गई है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। और पापा के लिए देखो फ्रिज में एक पीस शिद्दत से, शायद वो भी आधा है, एक पीस भी एक है पूरा। अरे 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 अरे, तो मम्मी ने कहा इसे फ्रिज में डालो, चलो इज्जत से फ्रिज में डाल देते। डाल दिया इज्जत से। दे देखो यहाँ मम्मी जी चॉकलेट एंजॉय करते हुए। कैसी है चॉकलेट? अच्छी है। तू तो शांत है। और ये मैं क्या पर्क, ये तो दो थी ना, दूसरी मम्मी मम्मी पापा पापा आते। मम्मी तुम सही में बहुत गोरी लग रही हो। बेटा बस ये बता दे तुझे चाहिए क्या। नहीं तू चाहिए क्या, तू जब आज तूने जो जो मक्खन लग रहा है ना, मक्खन के संग तू जो मिश्री भी ढोल लिया उसमें, क्या चाहिए तुझे? नहीं मेरे को कुछ चाहिए नहीं, जो मेरे को चाहिए था वो मैं अपने पैसों से खुद ला के खिला चुका हूँ सबको। इतना सीधा नहीं है, वसूल लेगा तू वो पैसे भी। वो पैसे क्या, दूध वाले पैसे से, सच सच के पैसे मांग रहा हूँ, वो बड़ा पाव के पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ मैं आपसे। इसमें कुछ मत बोल, चॉकलेट एंजॉय कर रहे थे। मम्मी ऐसा मत करो मम्मी, देख लो मम्मी। गाइस मैंने भी लिया है वाटर ब्रेक वर्कआउट से, वर्कआउट कर रहा था। चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका, बैक का भी हो चुका, अब हल्का सा ट्राइसेप भी करा मैंने, अब करूँगा बाइसेप और फिर थोड़ी सी पुशअप्स मारूँगा, उसके बाद ट्राइसेप डिप्स मारूँगा सोफे पे ही, फिर थोड़े से इंक्लाइन पुशअप्स, फिर डिक्लाइन पुशअप्स, फिर बाइसेप के। ओह मज़ा आ गया। मम्मी सब्जी बना रही है, फली आलू की, बीन्स आलू है मीन, और ये इंतज़ार कर रहे हैं कब मैं ब्लॉग बंद करूँ और कभी अपना मोबाइल चला पाऊँ। चलो गाइस मिलते हैं वर्कआउट के बाद। मम्मी साइकिल, मेरी साइकिल, लोग कहेंगे स्कूटी चलाने वाली साइकिल चला दी है। तेज को थोड़ा टेढ़ा करो, रुक जाओ छोड़ो, हाँ अब चढ़ो, पैर अंदर डालो, आई हो गया। मेरे पजामा भी लूज पहन रखा है, फंस जाएगा। फंस गया तो मेरी गलती नहीं है, वैसे ग्रीस लगी हुई है, सारा पजामा खराब हो जाएगा। मैंने कल ही ग्रीस डलवाई इसके अंदर। ध्यान दे पीछे बाइक आ रही है, पहले बाइक को निकालो। ओ ऐसी ये बहुत ऊंची है यार। अरे मम्मी खड़े हो गए, चला लो इससे, ये बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची। मम्मी गाइस रुक जाओ, रुक जाओ मम्मी एक सेकंड। ये क्या दिखा रहा है गाइस? ये तो काटवा दूंगा गाइस, इतनी नीचे सीट है, पूरी लो लेवल है। मैंने मम्मी के लिए अपना लो लेवल करा था वो सीट। सच में मैं स्कूटी चला लेती हूँ, साइकिल नहीं चलाई, नहीं आती मम्मी। ये बना रहा है कि मम्मी गिरे और बस हो गया। चलो मम्मी थोड़ा हल्की 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 हल्के पैडल से, दो पैडल हैं हल्के हल्के। मम्मी गिरना जाना कसम से, बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही है साइकिल। ओ एक मिनट ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, रोक ले। क्या हुआ? आ, आ, ओ, समझ मेरा नहीं, पजामा फंस गया था। मैं समझ गया, आप पजामा भी तो इतना लूज। गाइस ये देखो बिल्ली, सफेद बिल्ली गाइस हमारा रास्ता काट चुकी है। मेरा पजामा फंस रहा है, मैंने चला दिया। मैं चला के दिखाऊं, मम्मी एक बार मेरी वीडियो बना दो, मैं एक्सटेंड करूंगा। तो सापीनू आ रहा है, साइकिल चल रहा। अच्छा अभी रुक जा, ये स्टंट है। हाँ हम बाहर बैठे हुए थे और साइकिल चला रहे थे और शर्मा जी एकदम से प्रकट हो गए और वेलकम होम। थक गए? आ गया नहा के, मैं नहा के आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि आज मंगलवार और पापा की गाड़ी लग रही है। ये तो गुल्लू की तरह गुल्मा में, वो गुल्लक में अन्नू नहीं होता तुम्हें नहीं पता? चलो भाई मंदिर से आ गया मैं, खाना वाना भी खा लिया है और अब बारी इस ब्लॉग को एंड करने की। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे कल सुबह एक नए तड़कते ब्लॉग के साथ।